हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HPAS या फिर HS एग्जाम 2020 के बारे में। तो आपको पता होगा, अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा, उसमें अलग से एक सेक्शन होता है जिसमें इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि रिलेटेड इसी टॉपिक से है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले, अगर आप हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो और सभी एग्जाम्स के लिए ऑब्वियस बात है कर ही रहे होंगे, तो आप जो है परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको जो है HP जीके और करंट अफेयर जो डेली के हैं, ठीक है, तो वो आपको जो है वहां पर मिलेंगे। तो जीके स्टडी का अगर आप यूज करते हो कोड जीके स्टडी 40, तो आपको जो है डायरेक्टली 40% का डिस्काउंट मिलेगा और 168 में जो है आपको 30 के करीब जो है मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जो भी इंटरेस्टेड है वो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में है। अगर आप बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम इसको इंग्लिश में प्रिपेयर करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हिंदी में कुछ टर्म्स ऐसी होती है जो आपको समझ नहीं आएगी, फिर भी अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो आप हिंदी में भी इसकी तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन और टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट सेंसिटिव टू इनटेक ऑफ लेड। ठीक है, कौन सा ऑर्गन और टिश्यू होता है, ठीक है, जो सेंसिटिव होता है लेड के? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ससीटू मोड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कौन सा जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एक्ससीटू मोड होता है? ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई बुक है डिटेल में कि इन सीटू एक्ससीटू क्या क्या होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका होम गार्डन। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस GHG इन द अर्थ एटमोस्फियर। ठीक है, कौन सी जो है अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से आपको बताना है, तो वो है आपकी वाटर वेपर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। कौन है इनमें से जो कि मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ स्पीशीज रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है फंजाई, या जो भी आप बोलते हो। नेक्स्ट है, वेल्ड टाइप ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड एट। ये ग्रासलैंड जो होते हैं वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं HS के, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के आपको ग्रासलैंड पता होने चाहिए। ठीक है, तो वेल्ड टाइप ग्रासलैंड जो होते हैं वो होते हैं आपके साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया आर ऑल्सो नोन एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वो जाने जाते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। देखिए, पूरा डिटेल में आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जितने भी आपको MCQs वगैरह मिलते हैं, चाहे आप नेट से देख रहे हो चाहे यूट्यूब से देख रहे हो, उन्हें कोई कवर कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर हैविंग ग्रेट इंडियन हॉर्न राइनो। ठीक है, एक सिंह वाले गेंडे के लिए जो है वो कौन सा नेशनल पार्क जो है फेमस है, और ये आई थिंक सभी को पता होगा आप में से मैक्सिमम को, तो वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहां पर स्थित है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन। ठीक है, इंडियन लायन जो है इनमें से कहां पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके गिर फॉरेस्ट में। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, आपके पास तीन चार जो है वो ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आपको इनके साथ इनको मिलाना है। तो उसमें कई बार क्या होता है, पार्क आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला पार्क जो है कहां पर पड़ता है, आपको मैचिंग करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, द मेलकोटे टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है आपकी कर्नाटक में। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन विच ईयर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनएक्टेड। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था आपका 1986 में। ये आपको सारे एक्ट वगैरह पता होने चाहिए एनवायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन से सबमिट कहां कहां पर हुए थे एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड टू रिव्यू एनवायरमेंट लॉज इन द कंट्री। कौन सी कमेटी थी जो बनाई गई थी एनवायरमेंट के जो लॉ होते हैं, जो कानून होते हैं, उनको रिव्यू करने के लिए? ठीक है, तो वो बनाई गई थी आपकी सुब्रमण्यम कमेटी। ठीक है, या फिर आपसे अपोजिट पूछा जा सकता है कि सुब्रमण्यम कमेटी जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो वो है आपके एनवायरमेंटल लॉज। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम द पैरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन शेप। ठीक है, जो पैरामिड होते हैं, ठीक है, बायोमास के, वो इन्वर्टेड होते हैं कौन से इकोसिस्टम में, तो वो होता है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये सारे इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, अगर आप इकोसिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको इन सब के बारे में पता लगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं,
द बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? आपको एटलीस्ट पूरे जितने भी स्टेट्स हैं मेन मेन जो है आपको उनके नेशनल पार्क जरूर पता होने चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है बांधवगढ़ जो है नेशनल पार्क वो आपकी मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है, बट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो वो है आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और अगर आपसे डायरेक्टली स्टेट पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ठीक है। कौन से इनमें से स्टेट में सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज है, जैसे कि लाइफ आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी या फिर नेशनल पार्क होगी? तो वह है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट जब एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम का जो है वो गलत हो जाता है कि ओजोन लेयर जो है वो कौन सी आपके स्फीयर में पाई जाती है। तो वो पाई जाती है आपकी स्ट्रेटो स्फीयर में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, कौन सी मतलब स्फीयर में उड़ते हैं, या फिर आंधी और तूफान कौन से स्फीयर में आते हैं, तो ये चीजें सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया लोकेटेड अ टाइगर रिजर्व विच इज ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इनमें से किस स्टेट में जो है एक टाइगर रिजर्व है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, ठीक है। और इसका नाम जो है यहां पर मैंने लिखा है मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आसाम, ये आसाम यहां पर भी आ गया, ठीक है। तो आसाम में है मानस टाइगर रिजर्व, नाम भी आपसे पूछा जा सकता है और कहां पर है ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। अगले की बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैरीन बायोडाइवर्सिटी टी इज लोकेटेड इन, ठीक है। तो वो है आपका जामनगर में। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल एमिट मैक्सिमम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द सेम क्वांटिटी इज बर्न्ड ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है। अगर सबकी सेम क्वांटिटी अगर जलाई जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन एमिट करेगा? तो वो करेगा आपका कैरोसिन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, ठीक है। तो वो है आपका रोम में। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एबीएस मैकेनिज्म, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो रिलेटेड है आपका एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से, ठीक है। तो नागोया प्रोटोकॉल जो है वो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो कौन सी कंट्री की है? तो वो है आपकी ब्राजील की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। एक आपका हिस्टोरिकल कन्वेंशन हुआ था बायोडाइवर्सिटी पर, तो वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, तो उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है द अर्थ समिट के नाम से। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है अर्थ समिट जो है वो कब हुआ था और कहां पर हुआ था, तो उसके बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ, प्लेनेट हमारा जो अर्थ है उसके लंग्स के नाम से जो है किन जंगलों को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट को, लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। नेक्स्ट की बात करते हैं, वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुंड्रा, टुंड्रा की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो यहां पर इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ स्पीशीज पुअर, लो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड लो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो टुंड्रा वन होते हैं आपके। अगले की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया क्लार्क आर बेविन अवार्ड आर गिवन, ठीक है। जो क्लार्क आर बेविन अवार्ड है वो इनमें से किस एरिया में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, या फिर अपोजिट आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो यह आपको याद रखना है क्लार्क आर बेविन अवार्ड जो है वो किसने दिया जाता है? वो दिया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में। तो ये थे कुछ आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और उसी के साथ साथ जो है आप HPGK और करंट अफेयर के मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से जो है वो पिकअप करके क्वेश्चंस को आपके लिए तैयार किया गया है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।